कमेंट में बताओ जरा कैसे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, सुबह के 10 बजने वाले हैं एंड कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार, बॉडी भी वैसे भी पेन कर रही क्योंकि जिम का गया हूँ, पूरा शरीर इतने दिनों से जाम घूमने भी नहीं जा रहे थे तो बॉडी भी पेन कर रहा था और कल रात बुखार भी आ गया। ये भी ठंडा पानी पी के मेरा पूरा गला दर्द हो गया है, जुकाम भी लग रखा है, तो मेरा बिल्कुल उठने का कुछ करने का मन नहीं था। वो तो मैंने दवाई खा के थोड़ा बहुत काम वाम किया, उसके बाद अभी नहा के आई हूँ। नहाना भी नहीं था मेरे को, मन भी नहीं रहता था नहाने का, पर क्या करूँ, गर्मी इतनी हो रही, पसीना वगैरह। सो फिलहाल अभी नहा धो के निकली हूँ एंड अब लग चुकी है भूख क्योंकि सुबह से उठी हूँ, 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो अमित और तन्वी के लिए तो पूरी और कद्दू की सब्जी बनाई थी, पर मैं पूरी खाऊंगी नहीं, तो मैंने यहाँ पर बेसन भिगा रखा है और इसमें सब्जी वब्जी डाल रखी है, तो अभी बनाती हूँ मैं इसका चिल्ला अपने लिए। सो गाइस, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, चिल्ला एंड दही। तो दही मैंने पहले ही निकाल दी थी बाहर फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज में तो बहुत ठंडी होती है और वैसे भी दही ठंडी ही होती है, तो मैंने बाहर रख दी थी ताकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए। वैसे भी आजकल इतनी गर्मी, 1 घंटा पहले कुछ निकालो तो सब गर्म हो जाता है। सो फिलहाल अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर बहुत सारे बर्तन धोती हूँ। सो गाइस, दिन का 1 बज चुका है एंड आज मेरी तबीयत सही नहीं है क्योंकि बुखार आ रखा है और अभी क्या हो गया, तन्वी को स्कूल से लाने का टाइम, मैं सो गई थी, दवाई खाई मैंने और 2 घंटा सो गई और करेक्ट 12 बजे उठी एंड अब 1 बज चुका है, जाती हूँ उसको लेकर आती हूँ। सो गाइस, कुछ बता रही थी मैं आपको, कुछ चेंज दिख रहा है मेरे फेस पे? हाँ, तो ये है चेंज सनग्लासेस का। फाइनली मैंने 2 साल बाद वो सनग्लासेस चेंज करी थी, मतलब फेवरेट अभी भी मेरी वही है, पर बहुत टाइम हो गया था मैं रोज़ हमेशा वही पहने 2 साल हो गए थे। मुझे लगता है जब मैं वहाँ से लाई थी उसे, बैंगलोर से, तो जब से बैंगलोर से आई थी तब से वही सनग्लासेस पहन रही थी, ना टूटते थे ना कुछ होते थे। मैंने कहा इस बार तो चेंज कर ही देती हूँ। सो फाइनली न्यू सनग्लासेस लेने हैं मैंने। कमेंट में बताओ ज़रा कैसे लग रहे हैं। सो गाइस, दिन के 3 बज चुके हैं, तन्वी ने खाना ना खा लिया, मैंने भी खा लिया, लड़ा मारी है बहुत भयंकर नींद, मुझे तबीयत सही है नहीं, तो मैं सोचती थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1-2 घंटा अंधेरा हो गया होगा ना, मैं सोचती 1-2 घंटा सो जाती हूँ 5 बजे तक, फिर उसके बाद शाम को जिम जाना है तो अभी आराम कर लेते। तो गाइस, 5:30 बज चुके हैं शाम के और मैंने नीतू जी से बोला था कि आज जल्दी चले जाएंगे, हाँ, और उनको अभी आके मैंने बताया कि मैंने कहा आज चलना है जल्दी, तो बोल रहे हैं जल्दी जाना है, अब चल गई हैं तैयार होने के लिए। मैं खाली तैयार होकर यहाँ पे खड़ी हो गई उनके दरवाजे पे, 7:26 हो गया है, सॉरी 5:26 पहुँच चुके हैं जिम एंड अब निकालेंगे अपना पसीना यहाँ पे। सात बज चुके हैं एंड आ गई हूँ मैं घर, और आज तो मुझसे हुआ ही नहीं, वैसे भी इतना हाथ दर्द हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था, भैया बोल रहे थे नई एक्सरसाइज सिखा दो, मैंने कहा नहीं भैया आज नहीं कल करेंगे। सो फिलहाल 7:30 बज चुके हैं एंड वी आर अमित यहाँ लेटे हुए, अब मैं बनाती हूँ खाना एंड तन्वी को पढ़ाती हूँ। 9 बज चुके हैं, आज लेट हो गया खाने में क्योंकि मैडम है नहीं हमारी, मैडम इनको पढ़ाने में सारा टाइम निकल जाता है। सो मैंने बनाई थी अपने लिए मसूर की दाल, तो यही दाल अमित खा रहे हैं रोटी के साथ, और साथ में बना रखे मैंने अपने लिए और अमित के लिए ये खीरे का रायता, तो मैं रोटी तो नहीं खाऊंगी, बस दाल और रायता खाऊंगी। सो गाइस, रात के 10 बज चुके हैं, खाना ना खाया और थोड़ी देर, आधा घंटा मतलब 9:30 बजे करीब हम लोग वॉक करने के लिए निकले बाहर, थोड़ी देर वॉक की आधा घंटा और अब बस सोने की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग लाइक और सब्सक्राइब करना, थक गई है वो, दौड़ लगा, हम वॉक कर रहे थे उतना दौड़ लगा थे, पसीना पसीना हो गया और थक चुकी है और मेरे गले में दर्द हो रहा है। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।